पिछले कई दिनों से मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। मेरी माली हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने पिताजी की जमा पूंजी भी अपने कारोबार में झोंक दी थी और ऐसे में पिताजी की दी गई हर सलाह मुझे चुभने लगी और मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। देर रात घर छोड़ के निकल ही रहा था कि सामने के दो वृक्षों पर मेरी नजर पड़ी। एक वृक्ष के पत्ते पीले हो जर्जर अवस्था में थे, हवा के झोंकों से लड़ने की क्षमता भी वो खो चुके थे, फिर भी उनके जन्मदाता वृक्ष ने उन्हें थामे रखा था। उसके संरक्षण में वे पत्ते उस विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते से लगे। वहीं दूसरे वृक्ष पर एक अमर बेल उगाई थी। उसने अपने नुकीले पंजे उस वृक्ष के सीने में गाड़ रखे थे। वो अपने अन्नदाता को ही समूल खाए जा रही थी। उसे एहसास ही कहां था कि जिस पर वो फल फूल रही है उसके सूखते ही वो स्वयं भी जीवित नहीं रह पाएगी। यकायक रात के अंधेरे में भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा और मैं अपना बैग उठा पिताजी के पास लौट चला। कितनी खूबसूरत कहानी है ये। मैं हमेशा निराशा को अंधेरे से कंपेयर करता हूं और निराशा के अंधेरे में हमारा मन कुछ इस तरह से हो जाता है कि उसमें विचारों की आंधी और तूफान चलने लगते हैं। नकारात्मक विचार हमेशा एक बाढ़ की तरह से आते हैं और वो हमको बहा करके ले जाते हैं, जबकि इसके विपरीत सकारात्मक विचार ठहराव वाले होते हैं। एक, दो या बहुत से बहुत तीन विचारों से ही मन शक्तिशाली हो उठता है, मन में शक्तियां समा जाती हैं। पर इस कहानी में प्रकृति के उदाहरण का ही सहारा लिया गया और रात के अंधेरे में प्रकृति ने ऐसी आशा की किरण जगाई कि जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो कहानी के पात्र को साफ साफ दिखने लगा और एक ठहराव के साथ वो पात्र वापस अपनी मंजिल की ओर, अपनी जड़ों की ओर लौट चला। और ये सब हुआ रात के अंधेरे में और ये संभव भी है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अमावस की रात, जिस दिन भारतवासी जश्न मनाते हैं दीपावली के रूप में, वो उसी नकारात्मकता, उसी नेगेटिविटी से लड़ने का ही तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जितना अंधेरा, जितनी निराशा गहरी होगी उतने ही हम दीप जगाएंगे। पर बात बाहर की नहीं, अंदर की है दोस्तों। बाहर कितने भी दीप जगा लें, अंदर में अंधेरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहानी अंदर में एक दीप प्रज्वलित करती है, आशा का। खुशी मुझे इसलिए भी हो रही है कि आज के समय में चारों ओर जब नेगेटिविटी है, ऐसी नेगेटिविटी के समय पर ऐसी कम शब्दों में कहानी लिख करके किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति, वाह, परमात्मा ने अनखा जोग लेकर जी को दी है। बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और संदेश ने अंदर में एक दीपक भी अवश्य जगाया होगा। आपका जगा है तो ज्योत से ज्योत जगाते चलिए, पहुंचाइए और भी लोगों तक। और अपनी पसंदगी लाइक बटन दबाकर जाहिर कीजिएगा। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।